तो दोस्तों, निक्कू देहाती ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं विजिट के क्रम में आया हूँ। देखिए, उड़ीसा और एक डैम के बारे बता रहा हूँ, मंदरिया डैम के बारे बता रहा हूँ। देखिए, मंदरिया डैम का नीचे का लोकेशन, मंदरिया डैम हम लोग आ रहे हैं आज कार से विजिट करने के लिए। देखिए, मंदरिया डैम के मेड़ के नीचे कितना तगड़ा मेड़ बनाया गया है। उसका नीचे रोड है, चारों तरफ हरी हरी वादियां हैं। इन वादियों के बीच मंदरिया डैम का विजिट हम लोग करने जा रहे हैं। और ये मंदरिया डैम बहुत ही सुंदर है कहते हैं। देखिए, इधर कैनल निकला हुआ है, यहाँ पर मंदरिया डैम का कैनल जा रहा है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर इसका नज़ारा है। मैं कुछ नीचे से आप लोग को बता रहा हूँ, तो बाइक गाड़ी में था, मैं गाड़ी खोल के मैं नीचे से दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका नज़ारा बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा फुहारा बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है कचरा जम गया है। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि स्वच्छता पर हम लोग विशेष ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ देखिए, इसका कैनल, बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा निक्कू देहाती ब्लॉक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आगे दिखा रहा हूँ, डर भी लग रहा है, नीचे भी गड्ढा है और इधर भी। मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोग को, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ तार का घेरा है और इन घेरा के बीच ये मंदरिया डैम का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, देखिए, घाघ गिरता हुआ ऐसा लग रहा है कि दूध का पानी हो। और ये मंदरिया डैम का कैनल है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहा है। आगे जाने डर भी लग रहा है। मैं यहाँ से वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये लोकेशन बहुत ही मन को लुभाने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला है। दोस्तों, देखिए, ये लोकेशन मंदरिया डैम का कैनल के बारे आप लोग को दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये कैनल मंदरिया डैम से दक्षिण की ओर बहती है और बड़ा ही मनमोहक इसका दृश्य है, बहुत ही सुहाना नज़ारा है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ भी रहती हैं। दोस्तों, ये मंदरिया डैम में शंख नदी पर बना हुआ है। शंख नदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और बहती है। दोस्तों, यहाँ इस डैम से बड़ी बड़ी मछलियाँ शंख नदी पर चढ़ते हैं और उससे लोग शिकार करते हैं। बरसात में यहाँ गेट खोल दिया जाता है तो मंदरिया डैम की बड़ी बड़ी मछलियाँ, 50 केजी 30 केजी मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ पहले जाती थी, लेकिन अब जाली लगा दिया है, इसलिए 10 किलो 12 किलो 15 किलो की मछलियाँ यहाँ से होकर ऊपर की ओर जाती हैं। यहाँ सीढ़ी बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मंदरिया डैम का ये जो है मेड़ बहुत ही सुदृढ़ है और यहाँ गंदगी ना फैले, इसलिए तार का घेरा भी सरकार ने लगाई हुई है। और इसका लोकेशन बहुत ही सुंदर है और बड़ा ही मनमोहन लग रहा है। तो मैं ये वीडियो आप लोग को इस बना के बता रहा हूँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं निक्कू देहाती ब्लॉक यूट्यूब चैनल में। और इस चैनल में बने रहने के लिए दोस्तों आप लोग को धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, निक्कू देहाती ब्लॉक आप लोग के लिए ऐसा वीडियो लाता रहेगा और आप लोग को हमारे आस पड़ोस या भारतवर्ष के विभिन्न पर्यटक स्थलों के बारे बताता रहेगा। दोस्तों, आप लोग निक्कू देहाती ब्लॉक यूट्यूब चैनल में बने रहिएगा। मैं दूसरी छोर से भी आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। दोस्तों, देखिए, ये पॉइंट बहुत ही डेंजर है, संभल कर आना पड़ता है। इसका नज़ारा
बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ जो मछलियाँ रहती हैं दोस्तों ऊपर डैम में, बड़ी बड़ी होती हैं। और ये सुंदरगढ़ ज़िला का बड़ा डैम है दोस्तों, और ये ओडिशा स्टेट में पड़ता है। आप देख सकते हैं यह नारियल का छिलका, नारियल पड़े हुए हैं दोस्तों। ये सब गंदगी का अंबार हमारे भारतवर्ष में लोग ध्यान नहीं देते हैं, धर्म के नाम पर यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं पर्यटक जगह में। आप सभी से अनुरोध करूँगा दोस्तों, इस प्रकार की गंदगी पर्यटक स्थलों में ना फैलाएँ। और निक्कू देहाती ब्लॉक में आप लोग बने हैं, इसलिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। और आगे के क्रम में मैं आप लोग को विजिट कराता रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। निक्कू देहाती ब्लॉक यूट्यूब चैनल में आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों डैम की ओर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज़ ब्रो एंड सिस्टर्स, थैंक यू।